कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पूरी दुनिया भर के देशों में फैल रहा है। इसके अल्फा, डेल्टा और गामा वेरिएंट के बाद नया वेरिएंट जिसका नाम ओमिक्रॉन और B.1.1.529 है। सबसे पहले इस नए वेरिएंट की पहचान साउथ अफ्रीका के बोट्सवाना में हुई। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले साउथ अफ्रीका में नहीं पूरे देशों में लगातार फैल रहे हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इजराइल, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, इंडिया आदि शामिल हैं। 26 नवंबर को WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया था। क्या सच में ये वेरिएंट इतना डेंजरस है या नहीं? क्या हमारी वैक्सीन इसे रोक पाएगी? WHO का कहना है कि नए वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन की सबसे ज़्यादा म्यूटेशन हुई है, जो 32 के करीब देखने को मिली। अब सवाल है कि स्पाइक प्रोटीन है क्या? कोरोना वायरस की बाहरिस्ता, जिसे हम एनवल्व भी बोलते हैं, इस बाहरिस्ता पर क्राउन की तरह दिखने वाले स्पाइक हैं। यहीं से वायरस प्रोटीन को निकालता है, जिसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। इसी प्रोटीन से इन्फेक्शन की शुरुआत होती है। यह इंसान के एंजाइम ACE2 रिसेप्टर से जुड़कर शरीर तक पहुंचता है, फिर अपनी संख्या बढ़ाकर इन्फेक्शन को बढ़ाता है। इस वेरिएंट के सिम्टम्स जो देखने को मिले, उनमें बहुत ज़्यादा थकान, हल्का सर दर्द, गले में खराश, खांसी और पूरे शरीर में दर्द। वहीं कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि हमें इंजेक्शंस को अपडेट करने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस के संपर्क में आता है, तो यह एंटीबॉडी को कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से जोड़ता है और सेल्स को इन्फेक्ट करने से रोकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस है, जिस वजह से इंजेक्शन से मिली एंटीबॉडीज ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए कम प्रभावी हो सकती है। अब नया इंजेक्शन कब तैयार होगा? उसमें रिसर्चर का कहना है कि नए mRNA इंजेक्शन बनाने के लिए DNA टेम्पलेट की ज़रूरत होती है, और DNA टेम्पलेट को तैयार करने के लिए 3 दिन लगते हैं, जिनमें mRNA इंजेक्शन की डोज की प्रोडक्शन के लिए 1 हफ्ता और प्री क्लिनिकल टेस्ट के लिए 6 हफ्तों का समय लगेगा। नए वेरिएंट की न्यूज़ के साथ ही कुछ देशों में लॉकडाउन की अफवाहें भी फैल रही हैं, तो वहीं कुछ डॉक्टर और रिसर्चर्स का कहना है कि हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें सतर्क रहना होगा, सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन जारी रखना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।